subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. बरसों से अपनी कलाकृतियों से अपनी तस्वीरों से लोगों को आनंद देने की कोशिश कर रहा हूं। दरमियान में एक दौर गुजरा, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आपकी सेवा करने की मेरी इच्छा, मेरी तमन्ना शायद मुझे छोड़नी पड़ेगी। मेरे पिछले चित्र दो आंखें बारह हाथ के आखिरी दृश्य में बैल से लड़ते वक्त मेरी आंख को जबरदस्त धक्का लगा और उससे यह डर पैदा हुआ कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी हमेशा के लिए। आप ये कहेंगे कि मैं मेरा अपना दुख आप सबको क्यों बताने लगा। मैं जानता हूं कि दुख और सुख ऐसे हैं जिन्हें दूसरों को जितना बताएं, जितना बांटें, ये उतने ही बढ़ते हैं। मैं यहां जो आया हूं अपना दुख बांटने के लिए नहीं, बल्कि मुझे उस दुख में जो सुख का अनुभव हुआ वो बांटने के लिए। वैसे तो अब मेरी आंखें बिल्कुल अच्छी हो गई हैं, लेकिन उस समय जब आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे बैठना पड़ा तब मुझे मनुष्य जीवन की और नई अनुभूति हुई। जिंदगी के और नए नए रंग दिखाई दिए, वो रंग हजारों लाखों थे। उनमें से जीवन के कुछ रंग आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पिछली सदी में जब ब्रिटिश फौजें हिंदुस्तान का कोना कोना इंग्लैंड के रानी के हुकूमत के नीचे लाने के लिए जुटी हुई थीं और जब विदेशियों की तहजीब हिंदुस्तानियों के जीवन में प्रवेश करने लगी थी, Yeah.
आज गवर्नर साहब के बंगले पर डिनर पार्टी है, ब्रेड सप्लाई करने का ये ऑर्डर है। साहब बहादुर, साहब बहादुर, कौन है ये भिखारी? भिखारी भिखारी नहीं हूँ साहब, नजर बनी रहे आपकी। तब कौन तुम, राजा नवाब? मैं राजा और नवाबों की निशानी हूँ, मैं लोक कवि हूँ, शायर हूँ। घर में मेरी बूढ़ी बीवी बहुत बीमार है, मुझसे कोई गीत सुन लीजिए और मुझे कुछ इनाम दे दीजिए। इनाम चाहिए? लो इनाम। राजा नवाबों की कहानियां सुनाने वाले इसी तरह माटी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन ये माटी तो रहेगी। हाँ, सिर्फ वही रहेगी। अब रानी का राज आया है, अंग्रेज रानी का। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। न जब एक भी जिंदगानी रहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी। दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी। बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। ये आपस की सब बदगुमानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। जो थे देश दुश्मन गुलामी के राही, लगे फेरने इस वतन पर सियाही। विदेशों की करने लगे वाह वाही, गया देश हाथों से आई तबाही। ये भर भर के आंखों में पानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। फिर स्वातंत्र का ऐसा संग्राम आया कि हर आदमी देश के काम आया। लड़ी वीर झांसी की रानी भवानी, हजारों ने लाखों ने जौहर जलाया। ये कुर्बानियां खुद जुबानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। स्वतंत्र का संग्राम नहीं, वो बगावत की, म्यूटिनी, यही इतिहास कहता है। इतिहास जला दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे। यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जुलम वो तुम्हारे सितम वो तुम्हारे। करो याद उपकारनामे वो कारे, कि पत्थर से आंसू की धारा बहेगी। ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। ये माटी है तब से ना जब तुम थे आए, ये माटी रहेगी ना जब तुम रहोगे। इस माटी के नीचे दबी है कथाएं, जो खुद ही कहेगी रे तुम क्या कहोगे। जमीन आसमां थर थरा के रहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। ए गेट अवे, दफा हो जाओ।
शुक्रिया। कौन? नौरंग जी, इधर कहां से? छावनी में गीत सुनाने गया था। छावनी में किसे? फिरंगियों को, अंग्रेजों को? जब हिंदुस्तानियों ने कान बंद कर लिए तो अब जो सुने वही सही। ये हाथ में क्या है? ये हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी राज की भेंट। फिरंगियों के हाथ की रोटी खाएंगे आप? अब तो नवरंग को जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। राजा गए, नवाब गए, ठाकुर गए, रसिक गए, अब ये नवरंग रह गया और उसकी भूख रह गई। क्या हालत हो गई है बेचारे की इस बुढ़ापे में। इसी नवरंग ने अपनी जवानी में ठकुरायत में धूम मचा रखी थी। इसी नवरंग ने अपनी जवानी में ठकुरायत में धूम मचा रखी थी। जवानी ओ, 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 ओ किसी जुल्मी से नैना लड़े, ओ किसी जुल्मी से नैना लड़े, ओ तिरछी नजरियों से झांका मुझे तो मेरे सीने में तिरछे गड़े, ओ किसी जुल्मी से नैना लड़े। उमा, उमा बेटी। आई चाचा, आ रही हूँ। बेटी बहू कहाँ है? ये रही दरवाजे के पीछे, कुछ दोगे दादा? हम क्या देंगे बेटी, गढ़ी से जोड़ा मिला है, ठकुराइन ने दिया है, तीज त्योहार के दिन बहू के पहनने के काम आएगा। बढ़िया जोड़ा तो है। कैसा जगमग है ये, और ये सितारों से जड़ा, फूल से खिल उठेगी भाभी। दे दे उसे, दे दे, खुश हो जाएगी। देख तेरे लिए दद्दा कैसा अच्छा जोड़ा लाए हैं, है ना? हाँ। इस त्योहार के दिन पहनना, अभी संभल कर भैया के कमरे में रख दे। बेटी, दिवाकर कहाँ है? अभी तक आया नहीं। वो तो घर में रहता ही नहीं कम्बख। मुझे अभी गढ़ी पर जाना है। अभी? फिर कोई वक्त तो हुआ आने जाने का? बेटी वक्त देखा करते हैं अपना, ठकुरायत की नौकरी जो ठहरी, हम कारबारी, फिर वक्त क्या और बेवक्त क्या। भगवान भला करे ठाकुर करण सिंह का, उन्होंने हमें पनाह दे दी मजबूरी के दिनों में। ये क्या, दादाजी हैं घर में, ननद जी हैं घर में? तो क्या हुआ, पति पत्नी तो हैं हम दोनों। ये जोड़ा तो बहुत सुंदर है। रुपहला, ये रुपहला लिबास तेरे सुनहरे रूप पर ऐसा लगेगा जैसे सोने की थाली में सितारों का रास रचा हो। जरा पहन लो, इतना तो देख ही लूं कि चंपा के बन में पूनम बरसे तो इस दिल पर क्या बीतती है। पहनो। देख जमुना, मेरी जलती उबलती उमंगों को बेकदरी की राख से न बुझा। ये रुपहला जोड़ा पहन के मेरे सामने खड़ी हो जा, फिर मुझे देखते देखते दो तीन पल खा जा, फिर मेरी तरफ कनखियों से निहार और फिर मुस्कुरा कर अचानक शर्मा जा। मुझे नहीं अच्छी लगती हैं ऐसी बातें।
आहा, तेरा गुस्सा भी कितना प्यारा है, जी चाहता है इसे पी जाऊं। ए, गुस्सा कर, लेकिन ये जोड़ा पहन कर। तुझे इस रुपेले श्रृंगार में देखने के लिए मेरी आंखें प्यासी हैं। आ मेरे पास आ। छोड़ो ये वाहियात बातें। वाहियात बातें? घर की औरतें पति के सामने श्रृंगार करने को वाहियात बातें समझें? तो वो अपना दिल कहां बहलाए? मुझसे क्या पूछते हो? घरों से इसी तरह झिड़के हुए नामुरादों की भीड़ हुस्न के बाजार में भटकती फिरती है, इसीलिए निराश घरदार अपनी भूख मिटाने के लिए बदनाम ड्योढ़ियों पर तीरस समझकर फूल चढ़ाते हैं। तुम्हें चढ़ाने हैं तो तुम भी जाओ चढ़ाओ। ये किसकी आवाज? आपकी तबीयत तो ठीक है बंदा नवाज? अरे नपूश तबीयत बदजात का राज, जो देखता हूँ दिखाई नहीं देता, जो सोचता हूँ समझ में नहीं आता। लेकिन होने वाले तमाशे में शौकीन देखेंगे कि रंगबाज मौजूद है मगर उसका रंग गायब है, साज मौजूद है मगर उसमें आवाज नहीं, दरिया मौजूद है मगर उसमें आग नहीं। क्या ये मतलब कि लीलू मौजूद है लेकिन उसमें सुरबाजी की ताब नहीं? वाह 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 कविराज, कितने अच्छे मौके पे आप आ गए। अब बैठो बैठो। अरे लाओ तकिया लाओ, गदेला लाओ बैठने के लिए गधों। क्या हाल है कविराज? बात यह है कविराज कि सदर बाजार में तमाशा होने वाला है और वक्त बहुत करीब आ गया है और इस खोपड़ी का मसाला ही खत्म हो गया। कविराज आपने कहा था ना कि वो गाना लिख कर लाएंगे, आप लाए? अरे वो तो मैं भूल ही गया। घबराओ नहीं, वो गाना मैंने घर में लिख कर रखा है। हाँ बस सुबह होते ही तुम्हारे हाथ में ला कर दे दूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा कविराज, आप बहुत अच्छे। उस मुकुड़े के बोल क्या है? बोल मुकुड़े के बोल हाँ वो है, आ दिल से दिल मिला ले, इस दिल में घर बसा ले, आजा गले लगा ले, ओ रसिया मन बसिया, दिल मिला ले दिल मिला। अरे क्यों जल्दी से दिल मिलाओ, छनक छनक। अरे अरे कविराज। दिवाकर, ओ दिवाकर, सो गया होगा भैया? तो सो गया होगा। अच्छा तो सोने दो, बहू कहाँ है? वो भी सो गई होगी? नहीं दद्दा, अभी तो यही थी भाभी। भाभी भाभी भैया सो रहा है ना? हाँ। देखो बहू, दिवाकर जागे तो उसे कह देना कि अपने हाथ से अच्छे अच्छे अक्षरों में कुछ लिख कर रखे और सुबह मुझे दे दे। ठाकुर साहब के प्रधान जी, उनके दफ्तर में एक नौकरी का पता चला है, वो नहीं जाएगा किसी के सामने गिड़गिड़ाने, मैं ही जाऊंगा और देखूंगा। अगर ये नौकरी मिल गई तो बड़ा सहारा हो जाएगा इस बुढ़ापे में। आ दिल से दिल मिला ले, इस दिल में घर बसा ले, आजा गले लगा ले, ओ रसिया मन बसिया, दिल मिला ले दिल मिला ले। यमुना, रात के झीने झीने झिलमिलाते हुए आंचल से रुपेला अभी चल रहा है। आ बाहर आ, जीवन की कुछ घड़ियां इस स्वर्ग में बैठ के बिता ले। आना। वाह, ये भी कोई वक्त है बाहर जाकर बैठने का? अभी से क्यों आ गई? सुबह होती तो आती। ¶¶
नादान जमुना, तुझे मालूम नहीं तेरे रूप में क्या मोहिनी समाई हुई है। अपने सुनहरे तन पर ये रुपहला जोड़ा सजाकर तारों के मंडवे में मेरे पास बैठती तो क्या होता। हवा कितनी ठंडी है, समय कितना सुहाना है। जमुना आ, जमुना तू मेरे लिए मोहिनी हो जा। ये जोड़ा पहन, अपना नाजुक सा तन रुपहले पहरन की ओर से छलकने दे, मैं अपने आंखों की प्यास बुझाऊं। मेरी तरफ घूम, सामने से देखने दे मुझे, सरा मुस्कुरा दे। गर्दन झुका, नजर सरा तिरछी। वाह, यह वही मोहिनी मूरत है जिसे देखने के लिए दिल बेचैन था। मोहिनी, पास आ मोहिनी। देख, ये मुझ कवि का घर, यही नौरसों का मंदिर है। तू इन्हें अपने हर कदम से घुंघरुओं की झनकार सुना, आज ना कर दे तेरे शर्मीले पांव में हजारों नाचों के लिए समा जाए। आ मोहिनी, मदहोश होकर आ। कहाँ हो मोहिनी? आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंग भरी सुराई में तूफान उठा दें, इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे हैं। हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंथ कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव। कारी 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 अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहां थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम चमक झुम झुम। कारी 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 अंधियारी की रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन पे घन न न न न घर उठी, घर उठी सावन की घटा घूंघट में छुपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार
न साना न पावा न चले झना न झना न झांझर बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले होले होले नया न झुके पग न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन गोरी चले छुम 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 छमक छमक रुम झुम झुम झमक झमक छुम 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 छमक छमक पवन चले झनन झनन झांझर बोले अमृत खोले दिल न डोले कामिनिया चले होले 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 नयन छुपे पग न रुके पिला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन गोरी चले गिरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया पी है कहां मेरा पी है कहां कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया सन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैना उघारे प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सहारे छुम झक झक झुम झक झक छुम झक झक झुम झक झक जोर गिरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पति हम दूर गिर पर साथ उठे घन घोर घटा करे शोर पति हम पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहीं घोर के प्राणों का प्राण पति हम नदिया पहाड़ कर पार गोरी नार आई प्रीतम के द्वार अभिसार करने भइयों में बांध अपने प्रीतम की साध लगी प्राणों में अमृत सा प्यार भरने नैनों से नयन अधरों से अधर हृदय से हृदय जुड़े आज जुगल है जोड़ी अमर है प्रीत अमर संगीत अमर है गीत अमर
से खींच गया गगन धरती का देख के मिलन दिवाकर को लिखने के लिए कहा था ना कुछ लिख दिया उसने जी लिखा होगा जा जो लिखा है ला दे जा जा सुन वो सो रहा हो तो उसे जगाना नहीं जवानों को सवेरे सवेरे बहुत नींद आया करती है कर दी अब तो नजर बहुत ही घट गई दद्दा सो तो है उमा बेटी पर मालूम होता है अक्षर सुपुत ने ऐसे लिखे हैं कि आज ये लड़का नवाबी में होता तो मन सब पा जाता वाह दिन छुपे से पहले ही आ जाओगे ना दद्दा हाँ उमा मेरे लिखे हुए कागजों में से एक कागज नहीं मिलता पता नहीं कहाँ गया वो भाभी ने दे दिया दद्दा को तेरे लिए कोई नौकरी आई है दद्दा उसे लेकर प्रधान जी के यहाँ गए तेरी लिखाई दिखाने लिखाई दिखाने प्रधान जी को हाँ क्यों क्या हुआ मेरे करम सच तुम्हारे सपूत की लिखाई बहुत सुंदर है हमारा तो काम ही लिखना पढ़ना ठहरा मैंने दिवाकर का हाथ पकड़ कर लिखना सिखाया है अच्छा मुख्तार दीवानी दौलत राय को बुलाओ जी दौलत राय लिखाई इसे कहते हैं मोती जैसे अक्षर बनाए हैं लो चमकेंगे लाख चंदा ये रात फिर ना आए
होंगी हजार बातें, ये बात फिर न आए। आ दिल से दिल मिला ले, इस दिल में घर बसा ले, आ जा गले लगा ले, वो रसिया मन बसिया। आ दिल हुजूर, तहजीब और अदब के लिहाज से बेहद गिरा हुआ गाना है ये। गाना? गाना नहीं होगा सरकार। हाँ, बुढ़ापे में निगाह कमजोर होने की वजह से हो सकता है कि मैं कोई भूल से दूसरा कागज उठा लाया हूँ। लेकिन हम तुम्हें बहुत ही पवित्र और कर्मी धर्मी आदमी समझते आए, ऐसी चीज तुम्हारे घर में आई कैसे? नहीं आ सकती। हाँ, क्षमा कीजिए, दिवाकर की लिखाई सुंदर है इसलिए किसी ने उससे ये चीज लिखवा ली होगी। झूठ क्यों बोलो, लड़के को कभी गाने लिखने का शौक था, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि मेरे लड़के के चरित्र में कोई दोष नहीं। मुख्तार दौलत राय, जनार्दन जी के बेटे को कल से हमारे दफ्तर में नौकरी दी जाए। लेकिन सरकार, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जिसने ये छिछोरा श्रृंगारिक गाना लिखा है वो चाल चरण का साफ नहीं हो सकता। हम तुम्हारे इस ख्याल की तरफदारी नहीं कर सकते कि जो श्रृंगारिक गाना लिखता है उसका चाल चलन भी खराब हो। ऐसे गुनी आदमी को हम सहारा न दें तो कौन देगा? भेज दीजिए अपने बेटे को। तो कल सवेरे भेज देता हूँ दिवाकर को। छिछोरे गाने लिखता है ना तुम्हारा बेटा? नहीं नहीं, तो ये क्या रामायण का दोहा है? मेरे बेटे को आप हजारों में नेक चलन पाएंगे। हर बच्चन बेटे का बाप यही कहा करता है जनाब। भेज दीजिए साहबजादे को। बड़ी मेहरबानी। रसिया मन बसिया, आ दिल से दिल मिला ले, आ दिल से दिल मिला ले, दिल मिला ले, आ दिल। कितने मीठे बोल हैं, क्या ये आपकी शायरी है? मेरी? आप किस काम के लिए आई थी? ये मालूम है मुझे, तनख्वाह बढ़ाने के बारे में आपने अर्जी पेश की है ना? जी हाँ। वो अर्जी ठाकुर साहब के पास मंजूरी के लिए गई है, हुक्म होने के बाद आपको खबर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई हर्ज न हो तो मैं ये कागज ले सकती हूँ? जरूर जरूर। देखिए, ज्यादा तनख्वाह चाहिए तो दरबार में अच्छे रागदारी गाने गाइएगा, छिछुरे कवि का ऐसा हल्के गाने ना सुनाइएगा। बिल्कुल मुंशी है। अरे तू तैयार हो रहा है ना प्रधान जी के दफ्तर में जाने के लिए? जी हाँ दादा। हाँ बहु, खाना जल्दी तैयार कर, दिवाकर को आज दफ्तर जाना है। सिर का दर्द रुका या नहीं? सिर का दर्द किसका? उमा का सिर बहुत दुखता है ना रात में? नहीं तो? फिर भी तू रातें उसी के पास गुजारती है? अपने जी से पूछो क्यों गुजारती हूँ। तुझे नहीं देखना होगा मेरा मुंह। मैं किसी के ध्यान में बाधा क्यों डालूं? ध्यान? कौन किसका ध्यान करता है? मोहिनी मोहिनी कौन भजता है रात भर? जमुना, तू जानना चाहती है मेरी मोहिनी कौन है?
मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती। जमुना, जमुना, तू मुझे कभी नहीं पहचानेगी। मैं तुझे किस तरह समझाऊं कि मेरी मोहिनी तू ही है। तेरा रूप ही मेरे लिए लाखों गाने रच डालता है। जमुना, तू मेरा दिल समझ ले, मेरा साथ दे। श्यामल श्यामल वरन कोमल कोमल चरण तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल वरन कोमल कोमल चरण सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, ओ पूनम की छटा। तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल वरन कोमल कोमल चरण। सबल खा रही सौ सबल खा रही, तेरी तिरछी नजर तीर बरसा रही, तीर बरसा रही। नाजुक नाजुक बदन, नाजुक नाजुक बदन, धीमे धीमे चलन, तेरी बाकी लटक में है जादू बड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल वरन कोमल कोमल चरण। टकरा गया तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया। ना इधर जा सका, ना इधर जा सका, ना उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल वरन कोमल कोमल चरण।
खुशामदीद, आइए फरमाइए क्या हुक्म है। जी मेरा नाम दिवाकर जनार्दन है, पिताजी ने मुझे नौकरी के लिए भेजा है। दुरुस्त है जनाब, लेकिन दफ्तर दीवाने में तुकबंदी का काम नहीं होता। दरबारी नौकरी के लिए हमें किसी नेकचलन आदमी की जरूरत है। दरबारी नौकरी का नेकचलनी से क्या वास्ता? अरे प्रधान जी आ गए, प्रधान जी आ गए। कौन? जनार्दन के बेटे हो तुम? जी हाँ। इन्हें नौकरी पर रख लिया ना? जी अन्नदाता। अच्छा, तो आज से तुम्हारी नौकरी शुरू। जी बहुत बहुत मेहरबान। श्री हुजूर ठाकुर साहब नवाब साहब के वकील से मिलने जा रहे हैं, आपको फौरन राजमहल में बुलाया। ओ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, मुझे वहां जरा देर लगेगी। खड़े हो जाओ तहजीब से, मुख्तार दीवानी मैं हूं, तुम नहीं। रामचरण, इन जनाब को अपनी निगरानी में काम दो, जाओ इनके साथ। महतरम सरकार आलिए विकार प्रजा पालन हो, श्री हुजूर ठाकुर करण सिंह बहादुर सूबेदार वकील मुतालिक नवाब जंग बहादुर। आइए तशरीफ रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि ठाकुर करण सिंह साहब प्रजा के साथ खैरियत से हैं। सूबेदार साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि हम खैरियत से हैं या नहीं। क्या कोई नई बात पेश आई? कुछ परदेसी जासूस हमारी गली के आसपास घूमते देखे गए हैं, और उसके बाद हमें ये खबर मिली है कि अंग्रेजी फौजें हमारी रियासत की तरफ बढ़ रही हैं। हम आपको इन हरकतों से खबरदार करने आए हैं। ये बात है? हमने जब आपके नवाब साहब के साथ सुलह की थी तो आपको अच्छी तरह याद होगा, इस शर्त पर की थी, अगर हमारी रियासत को फरंगियों से खतरा पैदा हुआ तो आपकी नवाबी फौजें हमारे साथ मिलकर फरंगियों से लड़ेंगी। आप इत्मीनान रखें। इत्मीनान कैसे रखें? आज तक 18 बार हमें अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ा है, लेकिन आपकी सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। मैं खुद बहुत रंजीदा हूँ ठाकुर साहब। प्रजा से महलों और फौजों का खर्च वसूल करते हुए हमें बहुत शर्म आती है। या तो आप अंग्रेजों के मुकाबले में अपनी फौजें भेजिए, या वो इकरारनामा फाड़ कर फेंक दीजिए। जरा इजाजत दीजिए। लीजिए नौश फरमाइए। मोहतरम ठाकुर साहब मुबारक हो, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? हमारी सरकार का पैगाम यह है कि अंग्रेजों ने ऐसा इकरार किया है कि वो हमारे किसी भी इलाके पर हमला नहीं करेंगे। वाह वाह, फिर क्या है? होली का त्योहार आ रहा है, हम आज ही अपनी प्रजा को जी खोल कर रंग खेलने की छूट देते हैं। हम आपको भी दावत देते हैं कि आप हमारी और हमारी प्रजा की खुशी में शामिल हो, नगर की बहुत शोभा बढ़ेगी। अगर कोई खास दिक्कत पेश ना आई तो हम जरूर आएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। खबरदार बाश, मोहतरम ठाकुर साहब तशरीफ ले जा रहे हैं। अरे रंगबाज घर में है क्या? है तुम? अरे आइए आइए। अरे कविराज, क्यों आज कचहरी नहीं गए क्या? गया था ना भाई, नहीं जाने से कैसे निभेगा। अरे मुख्तार दौलत राय ने ये कागजात किसी को पहुंचाने के लिए दिए हैं, सो वहां जा रहा था। ओ। रास्ते में तुम्हारा घर था, सोचा देखते चले हमारे रंगबाज क्या कर रहे हैं। अच्छा किया, आ गए। कहाँ जा रहे हो? अरे आओ यार, बैठो। तुम्हारे आने से हमें कितनी खुशी होती है। बैठो बैठो। अरे क्या देख रही है? पान बना। कविराज आ गए। तुम में से लेलो रंगबाज कौन है? ये पूछने वाला अभी मौजूद है ठकुरायत में? कहो क्या काम है? ये दरबारे हुक्म है तुम्हारे नाम का। दरबारे हुक्म? आइए दूध पीजिए। नहीं नहीं, दरबारे हुक्म। हाँ। अरे अरे बुरा हो तेरा, बड़ी लटपटी लिखावट होती है दरबार की, कुछ समझ में नहीं आता, हर्फी नहीं उखड़ता। अरे
ये हिंदी में लिखा है या फारसी में? कवि राजा जरा आप ही इसका भेद खोल दीजिए। लीलू रंगबाज को मालूम हो हाँ मैं कि होली के त्योहार पर श्री हुजूर ठाकुर करण सिंह जी बहादुर अपने मित्रों मेहमानों सहित दरबार में रंग खेलकर अपनी प्रजा का मान बढ़ावेंगे। लीलू रंगबाज अपनी मंडली मय साजो सामान लेकर दरबार में हाजिर हो और इस अवसर की शोभा बढ़े ऐसा कोई रंगीला गीत सुनावे। समझ गया। दस्तखत दौलत राय मुख्तार दफ्तर दीवानी ठकुराए। अरे ये तो मैं भी पढ़ सकता था। ये दरबारी बुलावा तो आ गया तुम्हारे दम कदम से लीलू के घर में, पर लीलू वहां कौन सा सुर अलापेगा? नरन जी अगर यार हो तो निभा लो इस मौके को, कोई रंगीला सा गाना रच लाओ, दरबार से बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। किसरा ऐसा तुम्हारा? अरे अरे ये क्या, तुम क्या ये चाहते हो कि मैं अपनी कविता पैसों के लिए बेचूं? कविता तब बेची जा सकती है जब माताएं अपनी औलाद को भरे बाजार में बेचने लगे। मैं अपनी कविता हरगिज नहीं बेचूंगा। कविराज पैसों के बिना घर की गाड़ी कैसी चलेगी? सुनिए शायरों के बादशाह यानी मैं, क्या कहते हैं? आप बैठिए सुनाते हैं आपको। बच्चों शुरू हो जाओ। अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। अच्छा इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नोन मिर्ची हल्दी और धनिया, कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ, पैसे अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल धान के शेर सुनाओ। जवाब दे वाह। नोन मिर्च पर चौपाई चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे जवाब दे वाह। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झनझन करती कहो रुबाई पैसे वाली। अच्छा शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है। अच्छा मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर खोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ो। वाह वाह कमाल कर दिया। अच्छा भाई रख दूंगा होली का गाना रख दूंगा, और ठाकुर साहब जो पैसे दें वो तुम रखना। ओ और देखो दरबार में मेरा नाम न खुले वरना मेरी नौकरी पर कुठार पड़ जाएगा। नौकरी पिताजी ने बड़ी मुश्किल से दिलवाई है, हम बाप बेटों की जड़ी उखड़ जाएगी। अजी ऐसा भी क्या मैं नहीं जानता महाराज, वो राजा है क्या खबर फांसी बोल दे, क्या खबर देश निकाला दे दे, अरे वहां तो इशारों पर काम चलता है, इशारों पर। अरे जब आप इतना कहते हैं तो हम आपका भेद नहीं खोलेंगे, आप बेफिक्र रहिए महाराज बेफिक्र। अरे रंगबास ये तो मैं भूल ही गया है? ये कागजात तो यूं ही रह गए, बड़ी देर हो गई भाई। अरे नौरंग जी अरे भूलिएगा नहीं, होली का गाना बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी। अच्छा अच्छा। अरे मैं भी जा रहा था। आइए। वो कागजात पहुंचाया आपने? वो साहब मिले नहीं। मिलते कहां, वो तो यहां सर पटकने आए थे। ये तो मुझे मालूम नहीं, मुझे कोठी पर से पता लगा कि वो इलाहाबाद चले गए। हाँ
अब अभी इलाहाबाद चले जाइए। आपकी सूरत मुझे कम से कम 8 दिन तक नहीं दिखाई दे। ये कागजात खुद ले जाकर उन्हें दीजिए, बहुत जरूरी है। लेकिन अर्ज ये है कि होली का त्योहार बहुत पास आ गया है, इसलिए जनाब को क्या रंग खेलने की दावत दी है ठाकुर साहब करम फरमा ने? कल सुबह 11 हो जाइए। जी मैं जरा इलाहाबाद जा रहा हूं। सुना या नहीं? बोलो भाई, भगवान के लिए बोलो, मुंह सी रखा है क्या? भाभी, भैया इलाहाबाद जा रहा है। दही लाई, बहुत अच्छा किया। भैया की हथेली पर डाल दी। तुम तो दीवार को काम बता रही हो मां। जा रहा हूं। भैया भैया ये ले जा, भाभी ने रास्ते के लिए कुछ दिया है, भूख लगेगी तुझे ना। लेकिन वो कहाँ है? अच्छा जाता हूं। संभाल के जाना बेटा। दुनिया में आदमी किसी का मुंह देखकर जीता है। जिसे दिल से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उस पत्नी ने गांव छोड़ते हुए इशारे से भी यह न कहा कि मैं तुम्हारे लिए बेचैन रहूं, जल्दी आना। उसने नहीं कहा तो तुम्हारी कल्पना से बनाई हुई वो मोहिनी तुम्हारी प्रेरणा वो तो है ना? हाँ, मोहिनी। जा रहे हो? इतनी नाराजगी किस लिए? Thank you.
दिवाकर जी हैं? कौन लोग हो तुम? लीलू रंगबाज कहते हैं मुझे। ये चेले चाटे आप ही के गुलाम है, अच्छे हुनरबाज है, आपकी दया से कमा खा लेंगे एक दिन। दिवाकर जी हैं? दिवाकर नहीं है, यहाँ इलाहाबाद गया है सरकारी काम से।
भला आवेंगे कब तलक? भाई कब आवेंगे कह नहीं सकता। ओह, अब पड़ गई लीलू की नैया भंवर में। परसों मुजरा देना है पर अपने इस यार का पता नहीं। सुनी सुनी मेरी बात। चलो यहाँ से, चलो मेरी मुंडी निकाल, चलो मुंडी भी निकाल लियो यहाँ से। कौन था दद्दा? अरे वही, क्या नाम लीलू की जाने पीलू, वो तमाशगीर दिवाकर को पूछ रहा था। तू बहू से पूछ, वो फिर तो नहीं बैठने लगा इन लुच्चों की संगत में। ये रो रही है बहू, रोए कि क्यों नहीं, वो जरूर इन आवारा गर्दों के फंदे में फंस गया है। तुझे याद है कानपुर में कितना पीटा था उसे इसी बात पर? अब फिर वही बात हुई है, सामने आने दे, पहले यही पूछूंगा उसे। सब लोग आराम से बैठे। अरे आराम से क्या बैठे हो कमबख्तो, अरे गाना तैयार करो, अरे इनको पान खिलाओ किमान डाल के, लखनऊ का किमान डाल के, जल्दी करो। हो गया शुरू करो। अली का हृदय गंदा है, गंदा है, गंदा है, गंदा है। इस तक दिन आदिम से काम नहीं चलेगा। अरे वहां ठाकुर साहब तलवार खींचे बैठे हैं, अरे उनका स्वभाव तो तुम जानते हो। भगवान, आज बुरा फंसाया उस नौरंग बेपी में। भैया ये क्या लिखने लगा आते ही? एक गाना लिख रहा हूँ। गाना? भगवान ने तुझे सोने जैसी पत्नी दी है, उसे देखकर तो ये चाल छोड़ दे। उसे क्या देखूं? पत्थर का सा मुंह, खुला है तो खुला ही है, बंद है तो बंद ही है, फिर चाहे उस पर फूल चढ़ाओ चाहे बताशे, कुछ तेवर ही नहीं बदलते। अब तक मैं भी इस बेचारी को ही दोष देती थी, पर अब मुझे तेरे सारे लक्षण मालूम हो गए हैं। उमा तुम तो उस पगले की बातों में आ जाती हो। अरे पगला होगा तू, मैंने अपनी आंखों से पढ़े हैं ये सारे वेद जो तूने लिखे हैं। अगर तेरे ये चरित्र ठाकुर जी के कानों तक पहुंच गए तो तुझे और मुझे दोनों को देश निकाला दे देंगे। शर्मिले हाथ छोड़कर घर में अच्छी भली पत्नी के होते हुए बाजारों में भटकता फिरता है तू? बोल, किस पिशाची का नक्शिक बखान कर रखा है इन मंत्र के कागजों में? बता कौन है ये कमबख्त मोहिनी? बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको गलत फहमी हुई है, इसीलिए कहता हूं कि सोते जागते आपकी बहू के सिवा किसी भी दूसरी स्त्री का रूप मेरे सामने नहीं आया। मुझे अभी लिखने दीजिए, कल मुझे देना है ये गाना। नहीं, ये काम मैं इस समय न करूंगी। अच्छा नमस्ते। दिवाकर जी, दिवाकर जी, अरे दिवाकर जी, वाह, हम तो आप ही के घर जा रहे थे। होली का गाना तैयार हुआ? नहीं नहीं, कैसे होगा, घर में शांति नहीं, चैन नहीं, झगड़ा ही झगड़ा, ऐसी परेशानी में गाना कैसे लिखा जाएगा? अरे अरे, ये क्या कहते हो, गाना तो आज ही मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। लीलू उस्ताद कौड़ी के तीन तीन बिकेंगे, तुम बचाओ तो जान और इज्जत दोनों बचेंगी। आइए आइए, यहाँ बैठकर सोचिए कितनी अच्छी जगह है गणेश भगवान के चरणों में। इधर? हाँ अभी। हाँ हाँ अभी। हे गणेश भगवान, अब लीलू तोते की जान इस जादूगर के हाथ में है। भगवान भगवान, होली होली आ गया आ गया। अरे वो होली के क्या क्या काफी है, होली होली झोली। नहीं नहीं, आज मुझसे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा?
हे ठाकुर जी, हे तलवार जी, तलवार, ओ हे गणेश महाराज, हे गणेश महाराज, हे सिंह, ओ आ रहा है। अरे मेरा दिल कहता है कि तुम ऐसा गाना रचोगे कि जिसे सुनकर लोग तो क्या स्वयं गणेश जी भी होली खेलने आएंगे। अरे देखते क्या हो, शुरू करो। अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई यानी पकरी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा 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 भोली परी हरी भोली बौछार तू है नार नखरेदार मतवाली रे आज मीठी लगे है तेरी गाली रे पे धिनक धिनक ताल झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे अंग में उमंग खुशियाली रे आज मीठी लगे है तेरी गाली रे Thank you.
जाहिर करना चाहते हैं कि हम तुम्हारे हुनर की इज्जत करते हैं। प्रधान जी, इन्हें दरबारी स्वरूपा भेंट किया जाए। जी। आओ, हमारे पास आओ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। क्यों? जो आबरू आज मुझे मिल रही है उस पर मेरा हक नहीं है। क्यों? श्री हुजूर को तुमने गाना सुनाया है और सरकार उससे बहुत खुश हुए हैं। पर माँ बाप, जिस गाने से मुझे मान मिला है उसको रचने वाला कोई और है। उसका नाम? कवि नवरंग। नवरंग? कौन नवरंग? वो यही मौजूद है। अरे दिवाकर जी, अरे कहाँ छुप छुप के जा रहे हो? ठाकुर जी बुला रहे हैं। सामने आओ, सामने आओ, आओ। अन्नदाता, यही वो कवि नवरंग है जिन्होंने होली के गाने में रंग भरा। वाह 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 वाह, आज हमें एक नया कलाकार मिला। हम बहुत खुश हुए। हम तुम्हारी कला को अपने दरबार की शोभा समझते हैं। आज से हम तुम्हें राजकवि का खिताब देते हैं। जनार्दन जी, लाओ ये स्वरूपा। ये क्या? ये दरबारी तोहीन है। किसी हुजूर के मौजूदगी में किसी गैर की ताजीम की जाए। अन्नदाता, ये मेरे पिता हैं। अच्छा, तो जनार्दन जी ये तुम्हारे सुपुत्र हैं? धन्य है इनके माता पिता। जनार्दन जी, तुम्हारे सुपुत्र ने हमारी नजर में तुम्हारी और दुनिया की नजर में हमारी ठकुराइत की इज्जत बढ़ाई है। आओ आओ राजकवि।
अरे ये क्या छोटा सा दिया टिमका रखा है तुमने? बहुत से दिए जलाओ, घर सजाओ, आज अपने घर दिवाली बनाओ। दिवाली आज बात क्या है दादा? कितना सा ये लड़का और क्या इसकी बिसात, पर आज भरे दरबार में नाम कर बैठा अपना दिवाकर। सच दादा? कैसे? ठाकुर साहब ने उसके पीठ पर हाथ फिरा और सर पर तुरंश लगाया। खचाखच भरा हुआ था दरबार रईसों और सरदारों से। ठाकुर जी सबके सामने दहाड़ के बोले, धन्य है इनके माता पिता। प्यास बुझ गई आंखों की मेरी। बस बेटी अब मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं मुझे। हीरे की परख तो जो मेरी बच्चा ही जानता है बेटी। हम तो उसको कहते थे कि ऐसे गाने मत रचा कर, लेकिन आज उन्हीं गानों ने परवान चढ़ा दिया है दिवाकर को। कहाँ है भैया? वो आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। परे दरबार में ठाकुर जी के पहले मेरे चरणों पर सिर रख दिया। वो आएगा। अरे तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? इन बूढ़ी टांगों में हिरन की सी दौड़ आ गई। दरबार से निकला, यहाँ कब पहुंचा समझ में भी नहीं आया मुझे। जाओ जाओ आरती की तैयारी करो, आज जनार्दन के घर का चरित्र दूर हो गया। जाओ आरती की तैयारी करो, मुझे जला के ले बैठे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे जा रे हट, नट खट ना छोर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भूली भाली रे। आप आ गए? आपके आदमी ने कहा कि श्रीमान ठाकुर साहब ने मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया है। माफ कीजिएगा, मैंने ही उनको ऐसा कहने के लिए कहा था, नहीं तो आप शायद मेरे घर नहीं आते। देवी जी मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे बड़े लोगों के महलों में जाने का कभी काम नहीं पड़ा। तो मैं कहाँ बड़ी हूँ, मैं भी आपकी तरह कला प्रेमी हूँ। मैंने दरबार में आपके गीत के बोल सुने और होश खो बैठी। तशरीफ रखिए। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम मंजरी है। मंजरी जी, मैं दरबारी गायिका हूँ। देश लुट जाने की वजह से आजकल ठाकुर साहब की पनाह में दिन गुजार रही हूँ। आप बहुत थके हुए दिखाई देते। लीजिए ये मिठाई, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये बहुत दूर देश से आई हुई अंगूरी शराब है, आप पीकर खुश हो जाएंगे। लीजिए। दिल की छुपी उमंगों को मत बंद रखो कभी तालों में, लो होठों की प्यास बुझा लो नशा छलकता प्यालों में। नशा है अंगूरी आंखों में, नशा गुलाबी गालों में, अरे हसीना नशा कहाँ है इन मिट्टी के प्यालों। वाह वाह क्या खूब कहा, मुझ पर आपके हुनर का जादू सवार है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? ये लीजिए इसमें कुछ रुपए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये आपके काम आएंगे, अभी अभी आपको कुछ काम मिला है और मैंने सुना है
क्या आपके पिताजी भी दरबार में एक मामूली सी नौकरी कर रहे हैं? आप जा रहे हैं? माफ कीजिए, पिताजी का नाम लेने से अचानक मुझे घर की याद आ गई। मुझे घर जल्दी जाना चाहिए, मैं जाता हूँ। आप बच्चों की तरह घर घर की क्या रट लगाते हैं? आप जैसे कलाकारों को घर के बाहर की बाहर भी देखनी चाहिए। आपके एक एक बोल पर हजारों जुल्फों के बादल डोलने लगेंगे। इस चिकनी जुल्फ के फंदों से सादी चोटियां अच्छी, अजी बाहर के हलवों से घर की रोटियां अच्छी। आ गए तू भैया? ठाकुर ने तेरी इतनी बड़ाई की, दद्दा ने हमें कह दिया सब कुछ। रात भर तेरी राह में जागते रहे, अभी दद्दा तुझे ढूंढने बाहर गए। कहाँ रहा अब तक? वो सब बाद में बताऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। रात को गायिका मंजरी ने मुझे धोखे से बुलाया, तरह तरह के पकवान मेरे सामने रखे, लेकिन तुम्हारे पसम उमा मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। मैं ये नहीं भूला कि मैं एक घर गृहस्थ और खानदानी हूँ। राज कृपा से मुझे तुम घर वालों की कृपा अधिक लगती है। उमा, उमा मेरी माँ नहीं, तुम भी मेरे साथ कठोर बर्ताव करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? चल भैया, चाहे कोई कितनी भी अभ्यू पाले, घर का प्रेम कहीं नहीं पाएगा। तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए सत्तू घोलती हूँ। उई मैया, देख भाभी ने सत्तू खोल ही रखे हैं। लेकिन वो कहाँ है? यहाँ क्यों नहीं ठहरी? मैं नहीं खाऊंगा, कहां है वो? जमुना, जमुना, तेरा गोरख धंधा मेरी समझ में नहीं आता। अनोखा ही नाता रखती है तुम उससे। सोते में तो मुझ पर चादर उड़ाती है, भूखा हूं तो सत्तू खोल कर देती है। तू मेरा हर तरह ख्याल रखती है, पर खबर नहीं तू मेरा दिल क्यों नहीं समझ पाती। आखिर मेरा कसूर क्या है? बोल तो सही, गुस्से से ही बोल, पर बोल दे। ये गाने किसका मुंह देखकर लिखते हो तुम? किसी का भी नहीं, यूं ही मन में सोच लेता हूं और लिख देता हूं। फिर उस मंजरी के घर क्यों गए थे? मैं क्यों जाने लगा? उसने मुझे धोखे से बुलाया। मैं अपने गानों में किसी दूसरी स्त्री का रूप नहीं उतारता, बल्कि तेरी हंसती बोलती तस्वीरें खींचता हूँ। तेरी मोहनी मूरत अपने नाजुक से पैरों में सुरीले घुंघरू बांधकर अनोखे नाच नाचा करती। घुंघरू? मेरे पांव में किसी ने घुंघरू बांधने का नाम तक लिया तो मैं वो घुंघरू तोड़कर फेंक दूंगी। ठाकुर साहब, बहुत बुरी खबर लेकर आया हूं। आज अचानक अंग्रेजी फौज का एक दस्ता कोठी में घुसा है और मुझे संगी ने दिखाकर तकादा करने लगा कि मैं अपना इलाका और आपकी तमाम ठुकराई तुम्हें बाद अब तक सुपुर्द कर दूं। सर, वो इकरारनामा, उसका उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने नवाब से कोई इकरार नहीं किया। फिरंगी का भी इकरार का लिहाज करते हैं, लेकिन नवाब साहब, नवाबी का अब निशान तक बाकी नहीं। वहां लड़ाई भी हो चुकी और फिरंगियों का कब्जा भी हो चुका, अब यहां भी किसी वक्त हमला हो सकता है। हम आसानी से सर झुकाने वाले नहीं, हम मारेंगे या मर जाएंगे। प्रधान जी, घुड़सवार भेजकर पड़ोसी ठाकुरों को बुलवाओ और उनसे कहो कि आपस का बैर फिर कभी मिटा लेना, आज अपनी टुकड़ियां लेकर करम सिंह के साथ आओ। लेकिन अन्नदाता, ठाकुर लोग पहले ही अंग्रेजों की मातहती मंजूर कर चुके हैं, मुझे जासूसों ने यही खबर अभी सुनाई है। ओह, इसका मतलब यह है कि तबाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो फिर जितने घुड़सवार मिल सके सबको जमा कर लो, जितने नौजवान हैं सबको गली में इकट्ठा कर लो, और जो न लौट सके उन्हें गली के अंदर बुला लो।
आज हम अपने बेटे सरन सिंह के साथ सुरंगियों का मुकाबला करेंगे। युवराज सरन सिंह तशरीफ लाए हैं हुजूर। बेटा बेटा लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, फरंगियों को चार दीवारी के अंदर घुसते से रोको। लेकिन पिताजी सबकी राह है कि अंग्रेजों को रोकना आसान नहीं है, हम ही तबाह हो जाएंगे। खामखा मरने से क्या फायदा, इससे क्या कहा? मुझे तो ऐसा लगता है फिलहाल हम खुद उनको बुला कर लाएं और रियासत का फौजी इंतजाम उन्हें सौंप दें। यानी कत्लेआम भी न हो और राजा भी आप बने रहें, क्या मुबारक ख्याल है। दौलत राय का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझ गया कौन बोल रहा है तुम नमक हराम और गद्दारों के अंदर। मैं पहले तुम्हारे टुकड़े करूंगा। खामखा साहब, मेरे जीते जी मेरी रैयत नहीं लुट सकती। रैयत के गुलाम होने से पहले मैं खुद मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्यों क्या हुआ? अरे वहां कहां जा रहा है? बहू को दर्द लगे हैं। सच? उमा मुझे अंदर जाने दे। ए, कैसा मूर्ख पैदा हो गया मुझ जनार्दन के घर में। यहीं बैठ, मैं अभी सरकारी दाई को ले आता हूं। सब दुखड़े भूले
गोदी में झूले सपनों का ये संसार, सलोने से इसको करो स्वीकार। तुम मेरी मैं तेरी, तेरे चरण कमल की चेरी, जन्म जन्म की तेरी पुजार, लाए फल के तेरा प्यार, सलोनी सिंह इसको करो स्वीकार। तुम मेरी मैं तेरी। भैया कुल में दीपक चमका, बेटा हुआ है तेरे। देखो बोला खत्म हो गया बेटा, जो गया करण सिंह बुर्जी पर से गिर कर मर गए, जाने गिर पड़े या खुदकुशी कर ली, उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। उधर वंश की बेल बड़ी, उधर सहारे का वृक्ष टूट गया। हे भगवान, क्या दुनिया में और जीव कम थे जो ठाकुर साहब को उठा लिया। रियासत की प्यारी प्रजा, अब वो पुराना और भयावना जमाना बदल गया। आज हमारे और हमारी प्रजा के लिए एक नए जमाने का दौर शुरू हो गया है। आज बहादुर अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। हमने अपनी प्रजा के धन और जान की रक्षा इनके ताकतवर हाथों में सौंप दी है। साहब बहादुर ने हमारे पिता की इस छोटी सी रियासत में कई और रियासतें मिलाकर हमें उनका एक छत्र राजा मंजूर किया है। श्री हुजूर पुरनूर श्रीमान राजा शरण सिंह बहादुर की जय। अंग्रेज साहबान को हमारा दोस्त बनाने के लिए मुख्तार दौलत राय ने बहुत कोशिश की है। उनकी बुद्धिमानी और राजभक्ति से खुश होकर अंग्रेज साहबान की राय से हमने इन्हें रियासत का दीवान बना दिया है। दीवान दौलत राय को मुबारक हो। मुबारक हो। दरबार के आश्रित राजकवि दिवाकर जी नवरंग, श्री हुजूर पुरनूर राजा साहब को मुबारकबादी का गीत सुनाइए। मुझे कोई मुबारकबादी का गीत याद नहीं है। क्यों, क्या तुम्हें ताजपोशी की इतला नहीं मिली? मिली, लेकिन उससे मुझे मुबारकबादी का गीत रचने का जोश नहीं पैदा हुआ। अच्छा, कुछ सोचो और बाद में सुनाओ। इस निहायत खुशी के मौके पर मैं साहब बहादुर की खिदमत में एक अर्ज पेश करना चाहता हूं कि वे भी कुछ तकरीर फरमाएं। योर एक्सलेंसी स्पीच प्लीज। महाराज शरण सिंह, दीवान दौलत राय और सरदार, हम लोग इस मुल्क पर कब्जा करने के लिए ना आए। हम ये जाहिर करने चाहते हैं कि हम आप पर अपने मन की माफिक
हुकूमत करने के लिए, जुल्म करने के लिए हुक्मशाह यानी डिक्टेटर बनकर यहाँ नहीं आए हैं, डिक्टेटर, बल्कि हम आपका दोस्त बनकर यहाँ आए हैं। हम और आप आज से एक मुल्क की संतान हुई है। आप और हम इस मुल्क की तरक्की करने के लिए हाथ मिलाएंगे। हाँ हाँ, हम हाथ मिलाएंगे, हम एक हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम पश्चिम हो, हम पूरब हैं, दोनों का मेलन मिलता है। उगता है जो सूरज पूरब में, अरे उगता है जो सूरज पूरब में, वो पश्चिम में जा ढलता है, वो पश्चिम में जा ढलता है, वो पश्चिम में जा ढलता है, पश्चिम हो हम पूरब। What is he saying? कहता है कि पूरब पश्चिम के मिलन से इतिहास के पन्ने सुनहरे हो जाएंगे। Is that so? Then let him continue. पूरब की पवन मंगलकारी, मंगल संदेश सुनाती है। पश्चिम की हवा में है जहर भरा, जो घर घर आग लगाती है। धरती धरती में है फर्क बड़ा, माटी माटी में है अंतर। इस माटी में जन्मे साधु, इस माटी में जन्मे साधु, उस धूल में जन्मे डिक्टेटर, धूल में जन्मे डिक्टेटर, उस धूल में जन्मे डिक्टेटर। पश्चिम हो हम पूरब हैं, दोनों का मेल न मिलता है, दोनों का मेल न मिलता है। तुम बांध रहे इस दुनिया को, तुम बांध रहे इस दुनिया को कानूनों की जंजीरों से। हम जोड़ रहे दिल से दिल को बस प्यार की चंद लकीरों से। दुनिया की हुकूमत चाहो तुम, तोपों से बमों से गोली से, हमने तो दिलों पे है राज किया, हमने तो दिलों पे है राज किया। अपनी गीता की बोली से, अपनी गीता की बोली से, अपनी गीता की बोली से, पश्चिम हो हम पूरब हैं, दोनों का मेल न मिलता है, दोनों का मेल न मिलता है। तुम ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढ रहे हो नारी के नैनों में यौवन का नर्तन, तुम ढूंढ रहे हो नारी के नैनों में यौवन का नर्तन, हम ढूंढ रहे हैं नारी के हृदय में ममता का बचपन, हम ढूंढ रहे हैं नारी के तुम झूम रहे, तुम झूम रहे मदिरा पी के, रस लेते हो मांस की बोटी में। हम पेट भरे दो रोटी में, हम पेट भरे दो रोटी में, और खुश है एक लंगोटी में, और खुश है एक लंगोटी में, और खुश है एक लंगोटी में। पश्चिम हो हम पूरब हैं, दोनों का मेल न मिलता है।
हम में एक फर्क बड़ा, जो लाख मिलाने से मिल सके। पूरब का हिमालय पश्चिम की आंधी के थपेड़ों से हिल सके, आंधी के थपेड़ों से हिल सके। पश्चिम में सूरज कभी उग न सके, पूरब में सूरज कभी ढल न सके। बदल सके हो तुम भक्षक हो, अरे तुम भक्षक हो, हम रक्षक है। ये संग कभी ना फलता है, ये संग कभी ना फलता है, ये संग कभी ना फलता है, ये संग कभी ना फलता है। पश्चिम हो हम पूरब हो, दोनों का मेल न मिलता है, दोनों का मेल न मिलता है। आइए, सरकारी परवरिश पाकर भी यही हिम्मत, तुम खुद को क्या समझते हो? एक कवि। क्या ये कवि का काम था कि किसी शाही मेहमान के सामने इस तरह मनचाही बात बके? मनचाही बात कहने के लिए कवि हमेशा आजाद होता है। तुम आजाद नहीं हो, तुम सरकारी परवरिश पाते हो। सरकारी परवरिश कवि का दिल नहीं, सिर्फ जिस्म पालती है। जो हरकत तुमने भरे दरबार में खासतौर से अंग्रेजी गवर्नर के सामने की थी, उस हरकत पर तुम्हारी तमाम दरबारी रियायतें जब्त हो सकती हैं। जी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस दिक्कत के जमाने में न आपकी तमाम दरबारी रियायतें जब्त हों, न आपके नौकरी हाथ से जाए, न आप यह शहर छोड़कर ही जाए। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? आप मुझ पर दीवान दौलत राय की शान में एक गौरव गीत इतना शानदार लिख दें कि वो हिंदुस्तान के घर घर में गाया जाए। लेकिन ये काम आप मुझी से क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए मैं आपकी शान में गौरव गीत लिखने से इनकार करता हूँ। ये खुददार कवि का कलम वतन फरोशों और रिश्वतखोरों की शान में गौरव गीत रचने में मदद नहीं देता। लीजिए दरबारी सजावटें, गुलामी के साजो श्रृंगार। नौकरी कर करके टूट गई, खबर नहीं
ये कैसा चौपट राजा है जो तनख्वाह ही नहीं देता। भैया की नौकरी भी चली गई, न जाने क्या झगड़ा कर बैठा है दीवान से। कहाँ जा रहे हैं? एक काशी फल पका है पिछवाड़े, उसे बनाकर आज से कल तो हो जाएंगे। क्यों हाय हुकार मचा रखी है? नहीं जाने की चौपिलंगा, नहीं पलंग की चामक है। दूर है, लिखवा के लाया था करो मैं चले की रोटी। जाने की चौपिलंगा, चौपिलंगा। निकल, निकल, निकल यहाँ से। अरे, अरे, क्या बात? बेटे, क्या हुआ? किसने मारा? क्या बात? मारती है? अच्छा, चलो पूछे क्यों मारती है? क्यों जी? क्यों मारती हो इसे? मारू नहीं तो और क्या करूं? घर में चारों खुट दलिद्र छाया पड़ा है, दो वक्त की रोटियों के लाले पड़े हैं, और इस लाडले को जरी की टोपी चाहिए। वो तो समझा देने की बात थी। समझाऊंगी तो बुरी लगूंगी। इस तमाशबाज के पुत्र को किस लिए चाहिए जरी की टोपी? खबरदार जो मुझे तमाशबाज कहा तो। तो क्या प्रधान जी महाशय कहूं तुम्हें? न जाने काहे के लिए दी थी मुझे भगवान ने ऐसी बुरी जिंदगी। घर में ठौर नहीं, बाहर ठिकाना नहीं। किसी लखटके की बेटी नहीं हो तुम जो बड़बड़ के बोल रही हो। चाहे मैं कंगाल से भी कंगाल की बेटी हूँ, पर मेरे वालों ने आबरू उतार कर नहीं फेंकी, अपना धर्म नहीं छोड़ा है। और हमने ये सब कुछ छोड़ दिया है? तुम तो नचनियों की ड्योढ़ियों पर फूल चढ़ाते फिरते हो, गली गली में लीलुओं पीलुओं के पीछे पीछे फिर रहे हो, तुनतुना उठाए। सौ बार समझ चुका हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। क्या समझा चुके और क्या समझाओगे? यहाँ 12 बरस से पापड़ बेल रही हूँ, आज तक मन मसोसे रहे। अब नहीं देखी जाती तुम्हारी मोहिनी माया। छिछोरे लोगों की संगत छोड़ दो, गाना बजाना छोड़कर अपना अच्छा खासा घरवा संभालो। नहीं तो। नहीं तो क्या करोगी तुम? चले जाऊंगी मायके। तो चली जाओ मायके, जाओ मैं कहता हूँ, अभी चली जाओ। हाँ हाँ, जाने की बात तो देख ही रहे हो तुम। घर के दरवाजे पर ताला पड़ गया तो वेश्याओं की खिड़कियां खुल जाएंगी। क्यों रे भाभी, क्या बात हुई? कुछ भी नहीं, भागों के मारे आज बोल उठे हो। करना था मुझे ये कि कहीं कुएं खाई में डूब कर मर जाती, अकेली होती तो वो भी कर डालती, लेकिन पल्ले में ये मरा पूत जो पड़ गया है। भाभी, भरे पूरे घर में ऐसी बात ना बोल। हाँ, दुख से भरा पूरा है मेरा घर। अब माँ बाप के ही चौखट पर जाऊंगी, जब तक जान में जान है इनका सुहाग सजाई बैठी रहूंगी। मर जाऊंगी पर इस घर में पाँव न रखूंगी। पेट के लिए रोटी नहीं, तन के लिए कपड़ा नहीं, गहने में मांगती नहीं हूँ। जिनकी सुहागिन हूँ वो ऐसे हैं। हारा बसा ले ओ रसिया, मन बसा।
रखिए। मालूम होता है बहुत घबरा गई हो, क्या बात है? हुजूर, मैं अभी जिसका गाना गा रही थी उस कवि को हुजूर ने सरकारी नौकरी से अलग कर दिया है। अब उनका गीत गाना रियासत का गुनाहगार साबित होना है। बांदी माफी चाहती है। कवि नवरंग जी आए हैं। नवरंग जी, अन्नदाता, क्या उनका यहाँ आना हुजूर की मर्जी के खिलाफ तो न होगा? नहीं, आओ राजकवि नवरंग। हुजूर, मैं अब राजकवि नहीं हूं। दीवान दौलत राय ने मुझे उस पद पर से हटा दिया है। बताओ आज यहां कैसे आना हुआ? अन्नदाता, बोलो, साफ साफ बोलो। अन्नदाता, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मंजरी जी, बस इसीलिए तुम यहां आए थे? माफ करना, उस दिन मैंने आपका एहसान लेने से इनकार किया था, माफ करना। अन्नदाता, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं आपकी दया का दास हूं, आप मुझे कभी भी याद फरमा सकते हैं, सेवा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। जमना जमना, ये ले पैसे ही पैसे। उमा कहां है वो? कह दो उसे उठा ले ये कौड़ियां। तब दरिद्र छाया हुआ था, अब तकदीर जाग उठी है। अब ले आए लड़के के लिए जरी की टोपी, और वो भी जरी के जोड़े में सच कर बैठ जाए। जब टके नहीं थे तब उसे अपना मर्द पराया और बच्चलन दिखाई देता था। देखे अब बोलती है कि नहीं रस भरे बोल। उमा भैया, भाभी तो मुन्ने को लेकर मायके चली गई। मायके चली गई? नहीं नहीं, वो नहीं जा सकती। जमुना जमुना, जमुना जमुना, जमुना जमुना। जमुना नहीं, मैं हूं मोहिनी। मोहिनी मोहिनी मोहिनी, जमुना मुझे छोड़ के चली गई, तू तो मेरे पास आ। ये क्या कर रही है? चांद की नवरस भरी चांदनी मैं इन गगरियों में भर रही हूं। नवरस भरी चांदनी? हाँ, नवरस भरी चांदनी। इस नवरस से मैं कवियों को नहलाती हूं। मैं भी एक कवि हूं, इनमें से एक गगरी मेरे सर पर बरसा। मेरे सर में आग लगी है मोहिनी, मुझे नहला इस चांदनी की बरसात में। तूने तो अब पैसे कमाने की विद्या हासिल की है। चांदी के टुकड़ों के पीछे पड़ने वाले कवि का चांदनी से क्या वास्ता?
देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न रहे। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा, राधा का प्यार भी आधा,
गया तू भैया? सब ठीक गया? चल कपड़े बदल दे जल्दी से, कुछ हो ना जाए, दुख पे दुख चले आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? दादा बुखार में बड़े भूत रहे हैं। अरे बेटा बेटा पुकार रहे हैं। बेटा जवाब दादा, दादा जो हादला जो इसी वक्त अपने ससुराल चला जा और लाकर मुझे पोते का मुंह दिखा, मैं तो कोई दम का पावना हूँ बेटा। जा नजर भर के देख तो लूँ अपने पोते को, इसके लिए इतनी माला फेरी थी। जा इसी दम चला जा। जी अच्छा उमा, मैं जाता हूँ, तुम दादा की देखभाल करते रहना। ले आता हूँ मुन्ने को दादा। पानी चाहिए। बेटा यहीं बैठते हैं, माँ के पास चलो ना। वो तो हमें देख कर अंदर चली गई। जीते रहो। कैसे लीलू के मंडली के साथ आना हुआ? कहाँ टिकाए डफली तुम? तूने जी अकेला ही आया हूं, अचानक दद्दा जी की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए इन लोगों को लेने आया। लड़की नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। अकेले लड़के को ही ले जाऊंगा। हम नहीं भेजेंगे। क्यों? एक लड़की और इस डंठल से लड़के का पेट भरने के लिए अनाज मौजूद है इस द्वारकानाथ के घर में। जमुना, जमाई राज आए हैं, आदर सत्कार में कचरा ही न हो। चल चल भोजन की तैयारी करें। भोजन में वही बाहर करा दो। हमारे बर्तनों में वो खाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम ठहरे आचार विचार में कच्चे और वो हो गए हैं खूब पक्के। तो तुम ऐसा करो, थाल में नहीं पत्ते में परोसो उनके लिए। बहुत दूर से आए हैं बेचारे, हमें कृतार्थ करने। माँ से पूछ ले बेटा। नाना जी कहते हैं तुमने धर्म छोड़ दिया है। धर्म कैसा होता है? मैं खाऊंगा तुम्हारे साथ। अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। नहीं खाओगे? भूख नहीं लगी बाबा? मैं ऐसे ही घर वापस जाऊंगा। मैं भी आता तुम्हारे साथ।
नाना जी मानेंगे, हमारे दादा जी कितने अच्छे हैं। तुम रोते हो बाबा? बाबा तूने मुझ कम नसीब के कोख से जन्म क्यों लिया? कौन नवरंग जी? मैं आपको किस हालत में देख रही हूँ? जिस हालत में वक्त ने डाल दिया है। सुना है इन दिनों आप घर पर भी नहीं रहते। अब ठाकुर साहब की सालगिरह नजदीक आई है, उस दिन आपको दरबार में कोई नया गीत सुनाना चाहिए। मंजरी देवी, मुझे अब कुछ सूझता नहीं, मेरी जिंदगी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई है, उसे इकट्ठा करने में लगा हुआ हूं। मतलब? सर से बाप की छाया उतर गई तो धूप में पड़ा तप रहा, घर तीन तेरे हो गया तो जंगलों में भटक रहा हूं। जिस घरवाली का मुंह देखकर गीत रचता था वो मुझे छोड़कर मायके जा बैठी है। मायके जा बैठी है? राजमहल में जल्दी ले चलो। राजमहल में? हाँ, मैं ठकुराइन से अर्ज करूंगी कि कवि नवरंग जी की घरवाली को सालगिरह के मौके पर जरूर बुलाया जाए। चलो। से आना हुआ? कौन हो? ठकुराय का संदेश हूँ, एक सरकारी संदेश लाया हूँ। सरकारी संदेश? किसके नाम? श्रीमती जमुना प्यारी, पत्नी दिवाकर जी नवरंग। लाओ, हमें दो। हम जवाब के लिए सरकारी पड़ाव में ठहरेंगे। जमुना, अरे जमुना, क्या है बाबा? देख तो, ये ठकुर
इब्राहिम का पत्र है तेरे नाम। मेरे नाम? हाँ हाँ। क्या लिखा है इसमें? अरे तुझे सालगिरह के मौके पर दरबार में शामिल होने के लिए बुलाया है ठकुराइन ने। क्या सोचने लगी बेटी? कुछ नहीं, मेरा नसीब, मेरा खोटा नसीब। वो आए तो मुझसे बात भी नहीं की, जैसे कि मैं उनकी कोई लगती ही नहीं, और अब ठकुराइन का बुलावा आया तो मैं वहां जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ठकुराइन का हुक्म टालना ठीक नहीं। क्या करेंगी वो, फांसी चढ़ा देंगी? चढ़ाने दो, मुझे अब जीना ही नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। कवि दिवाकर नवरंग सामने हाजिर हो। खामोश, हुजूर की सालगिरह के अवसर पर कवि नवरंग अपना नया गीत सुनाएंगे। आज के सालगिरह के दिन तुम्हें अपना कोई नया गीत सुनाने का हुजूर हुक्म मिल चुका है, खामोश क्यों खड़े हो? याद रहे कि दरियादिल सरकार ने तुम्हारे साथ रहम का बर्ताव किया है। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। यह हम नहीं मान सकते, तुम्हें गाना सुनाना ही पड़ेगा। भूल गए तुम वो दिन जब तुम मेरी दया के दास बने थे? कहा था कभी भी याद फरमाइए, सेवा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। क्या यही हमारी सेवा है? यह हुजूर का खुला खुला अपमान है, इस अपमान की तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। अन्नदाता, मैं आपका हुक्म टालना नहीं चाहता, विश्वास कीजिए मैं सचमुच चाहता हूं कि मैं अपनी जबान से आपको कुछ सुनाऊं और आपको खुश करूं। लेकिन यह कैसे होगा, जिसे देखकर मेरे भाव जागते थे, मेरी कविता खिल उठती थी, जब वो ही नहीं मेरी सरस्वती, मेरी मोहिनी, मुझे कुछ नहीं सूझता, मुझे कुछ नहीं सूझता। इसे कैद करो। नहीं जाओ, इसे अंदर ही कोठरी में डाल दो। सच मुझे इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मेरी गर्दन उड़ा दो, मुझे हाथी के पैरों के नीचे दबाकर मार डालो। मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मेरा दुनिया में रहना बेकार। मार डालो मुझे, मार डालो। लेकिन ये कैसी मौत होगी? लोग कहेंगे एहसान फरामोश नवरंग, नमक हराम नवरंग। नहीं नहीं मोहिनी, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तू गई उड़ गया रंग जाने कहाँ, तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ।
छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ आसमान आ गया पूनम का ये कौन फूल महका ये कौन पंच चहका महफिल में कैसी खुशबू उड़ी दिल जो मेरा बहका लो तन में जान आई
होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया। सूरत है मेरे सपनों की तू सोहिनी, जमुना तू ही मेरी मोहिनी, तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहां मैं तड़पता यहां, तू छुपी है कहां, छुपी है कहां, छुपी है कहां। वाह वाह नवरंग जी, वाह वाह, जियो सोमराज जियो। भाग्यवती हो तुम जो अपने पति के ध्यान में मन में सपनों में सदा समाई रहती हो। हाँ मैं भाग्यवती हूँ, सचमुच मैं भाग्यवती हूँ रानी माँ। मैंने अपने भाग्य को पहचाना नहीं था, मैंने अपने भाग्य को पहचाना नहीं था। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।